खुदा का बंदा इस जगह पर पेशन गोई पेश करता है यीशु मसीह के मुतल्लक कि क्या खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि अलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को सली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। असीरों के लिए क्या करूं? आजादी का ऐलान करूं, कैदियों के लिए रिहाई। जो इंसान गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है, गुनाह की गुलामी में है। तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो हमको गुनाहों की गुलामी से क्या दे? रिहाई दे, आजाद करे। जो इंसान गुनाहों में जिंदगी बसर करता है, जो इंसान खुदा से दूर है, उसके ऊपर बहुत सी परेशानियां, मुसीबतें, वो इंसान गमजदा है, परेशान है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो निजात याफ्ता है, वो कभी भी दुखों मुसीबतों से कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि खुदा अपने लोगों को क्या करता है? वो खुशी देता है। निजात याफ्ता लोग हर वक्त खुश रहते हैं, गुनाहों में जिंदगी बसर करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी बीमारियां गम आ जाते हैं। आगे लिखा है ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तियार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं, सियाउन के लिए गमजदों के लिए मकर्र कर दूं कि उनको रात के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए कि उसका जलाल जाहिर हो। किसके लगाए हो? खुदा के लगाए। खुदा राग के बदले सेहरा, मातम की जगह खुशी का रोगन, उदासी के बदले सताइश का खिलर, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाए कि उसका जलाल जाहिर। खुदा का जलाल निजात याफ्ता लोगों की जिंदगी में होता है। जो इंसान गुनाह में जिंदगी बसर करता है, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, जिसने अभी तक तौबा नहीं की, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, वो निजात नहीं पा सकता। उसकी जिंदगी गुनाहों में, गुनाहों वाली जिंदगी मौत की जिंदगी, गुनाहों वाली जिंदगी में परेशानियां, गुनाहों वाली जिंदगी में बहुत से दुख, गुनाहों वाली जिंदगी में बीमारियां, बहुत सी रुकावटें, परेशानियां है। जब आप मसीह को कबूल कर लेते, उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं, उसको अपनी जिंदगी का बादशाह मान लेते हैं, तुम्हारी जिंदगी से हर तरह के गम, हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाती है, हम गुनाह से आजादी पा लेते हैं। तो खुदा का बेटा दुनिया में हमें आजाद करने के लिए, ताकि हम अपने गुनाहों से आजाद हो सके, बीमारियों से शिफा पा सके, गुनाहों से हमें आजादी मिल सके। गुनाह में जिंदगी बसर करने वाला गुनाह का गुलाम, जो मसीह पर ईमान लाता है वो गुनाह से क्या हो चुका है? आजाद हो चुका है। तो खुदा हमें अपने बेटे के वसीला से वो हमें आजाद करेगा, निजात देने के उसने अपने बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।